नमस्कार, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में तबादलों का एक तरह से ऑप्शन खुल गया है। कार्मिकों की अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जाने के लिए होगी लिखित परीक्षा। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर्स कौन कौन कितने जिलों में अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन किन्हें 10 बोनस अंक भी मिलेंगे, वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन से लेकर काउंसलिंग होने तक की संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश जो निकाला गया है, इसमें आप देख सकते हैं राज्य में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में चयन हेतु महात्मा गांधी राजकीय स्कूल और स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय, इन दोनों में और अन्य समस्त जितने भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं उन सभी में नियुक्ति के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं पद और पदनाम देख सकते हैं कि इन इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्राचार्य, प्राध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकेंड, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, अध्यापक लेवल 2 जिसके अलग अलग सभी विषय, अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बीसी कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 और प्रयोगशाला सहायक, इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं पात्रता और शर्तों में लिखा गया है, आवेदन पत्र दिनांक 15/7/2024 से 22/7/2024 तक जो रात्रि 12 बजे तक है, शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से, स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। जैसे ही इसको भरने संबंधी डेट शुरू होगी, हम आपके साथ जरूर से वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई होगा। आगे लिखा गया है, संबंधित पद और विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन हेतु निम्न अनुसार जिले भरे जाने का विकल्प रखा गया है। प्राचार्य या प्राध्यापक है जो विभिन्न विषय के, न्यूनतम 1 जिला और अधिकतम 50 जिले, इनके लिए सभी 50 जिले खोले गए हैं। वरिष्ठ अध्यापक जो भी हैं उनके लिए, या फिर ग्रेड सेकंड के, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो चाहे वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हो, उन्हें केवल 1 मंडल के समस्त जिले जितने भी होंगे, न्यूनतम 1 जिला और अधिकतम मंडल के जितने भी जिले हैं वो, लेवल 2 के टीचर्स, लेवल 1 के टीचर्स थर्ड ग्रेड, इसके अलावा शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और जितने भी बचे हैं चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, सभी अधिकतम 5 जिले चूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे आवेदक जिनके पदस्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 4th बिंदु में लिखा गया है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अंदर पदस्थापन हेतु पूर्व से अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन उपरांत पदस्थापित शिक्षक या कार्मिक उक्त अनुसार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। मीन्स पहले से अगर कोई भी कार्मिक स्वामी विवेकानंद स्कूल में या महात्मा गांधी स्कूल में पदस्थापित है तो वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए पात्र नहीं होगा। वहीं आगे बिंदु में लिखा गया है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। मीन्स सभी को अलग से आवेदन भरना होगा, पहले जो आवेदन किए थे उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक कार्मिक जो भी हैं वो सभी पात्र होंगे, जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी सेटअप में हैं वो सभी पात्र होंगे। अन्य विभाग परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत जो शिक्षक हैं या कार्मिक हैं वो आवेदन के पात्र नहीं होंगे। शिक्षक या कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद और विषय के अनुसार ही किया जावे, जो आपका मूल पद है उस अनुसार ही किया जावे। राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र में और गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक या कार्मिक उनके द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही आवेदन किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के लिए विभाग के द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो कि 100 अंकों की होगी। कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन या पदस्थापन हेतु 10 अंक बोनस विधेय होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप सेम जिसमें अभी आप पदस्थापित हैं उसी जिले में वापस से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10 अंक बोनस दिए जाएंगे। वहीं अगले बिंदु में लिखा गया है, आवेदक विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित मापदंड अनुसार न्यूनतम प्राप्त अंक अर्जित करने पर ही चयन हेतु पात्र होगा। मीन्स आपको पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स बताए गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लिखित परीक्षा में अगर आप न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर लेते हैं तो भी आपका चयन हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। अगर विभाग में रिक्त पद हैं तो ही उनकी उपलब्धता और उनकी आवश्यकता के अनुसार आपका चयन या पदस्थापन किया जाएगा। चयनित कार्मिक का पदस्थापन उनके मूल पद और मूल विषय के अनुसार ही अंग्रेजी माध्यम में उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन हेतु अंतिम रूप से चयन उक्त विभाग के जो नियम है 2023 के उनके आधार पर ही किया जाएगा। वहीं अगले बिंदु में बताया गया है, चयनित कार्मिकों का विद्यालय पदस्थापन के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विद्यालयवार और पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित कर दी जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो 100 अंकों का पेपर होगा जिसके अंदर से न्यूनतम 40 अंक आपको उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी होंगे। 90 मिनट की परीक्षा होती होगी।
प्रश्न संख्या भी 100 रहने वाली है। समस्त जितने भी प्रश्न हैं सभी ऑप्शनल रहने वाले हैं। गलत उत्तर देने पर आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। वहीं परीक्षा केंद्र की बात करें तो आवेदक कार्मिक की परीक्षा उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित जो जिला है उसके अंदर निर्धारित परीक्षा केंद्र होगा वहां पर ली जाएगी, जिसकी सूचना अलग से दे दी जाएगी। जैसे ही सूचना जारी होगी हम चैनल के माध्यम से आपके साथ जरूर से साझा करेंगे। वहीं सिलेबस की बात करें तो प्राचार्य के लिए अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न 70 होंगे, नेतृत्व और प्रशासन के 15 प्रश्न, विभिन्न योजनाओं के 15 प्रश्न होंगे। शेष जितने भी पद हैं उन सभी के लिए अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न है जो माध्यमिक स्तर के होंगे 80 प्रश्न होंगे और विभागीय योजनाओं के 20 प्रश्न होंगे। कुल इस तरह से 100 प्रश्न सभी के लिए शामिल होने वाले हैं। अन्य निर्देशों में परीक्षा की संभावित तिथि के लिए अलग से अवगत करवा दिया जाएगा। जैसे ही अवगत कराया जाएगा चैनल के माध्यम से हम साझा करेंगे। परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए आवेदनकर्ता जो कार्मिक है उनसे उन्हें किसी भी तरह का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता या अन्य किसी भी तरह का भत्ता दे नहीं होगा। लेकिन परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उस मात्र से ही कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में लगने के पात्र नहीं होंगे। अगर वहाँ पद रिक्त हैं और उपलब्धता कितनी होगी उसी आधार पर आपका चयन होगा। अन्य शर्तों में बात करें तो आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 3 वर्ष की काल अवधि के लिए पदस्थापित किया जाएगा, जो कि प्रदत्त सेवाओं और प्रदर्शन के पुनरावलोकन के पश्चात निदेशक द्वारा जो निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने के योग्य होगी। वहीं नियुक्ति प्राधिकारी के जो कार्यालय हैं उनके ऐसी सेवा अवधि के पूर्ण होने के बिना भी बिना किसी कारण दिए आपको वहां से रिलीव करने का अधिकार होगा। मीन्स आपको समय पूर्व भी अगर कार्यालय को किसी भी कारण से ऐसा लगता है कि आपकी वहाँ सेवा संतुष्ट नहीं है तो समय पूर्व भी हटाए जा सकते हैं। वहीं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनरावलोकन निदेशक के द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। और काउंसलिंग के समय जो भी आवेदन करता है उन कार्मिकों को सहमति देनी होगी जो आपकी डिस्प्ले पर दिखा रखा है। जो काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता जो कार्मिक है उनको निम्न जो नीचे दी गई है उस अनुसार ही सहमति देनी होगी। जब आप सहमति दे देंगे उसके पश्चात ही आपको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और आपका अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन होगा। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट होती है जल्द चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।